यार बेटा, मैं तो आने का सोच रहा था, लेकिन यार पता है नहीं गाड़ी ही नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे यार फिंकी भैया, फिर तो सही है यार, हम लोगों को तो घूमने के लिए एक राइड भी मिल जाएगा। अरे नहीं सिंचन, वो गाड़ी उनकी नहीं थी यार। लेकिन यार फिंकी भैया, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, एक होटल है वहीं पे जा रहे हैं। अरे लेकिन फिंकी भैया, आप तो बताओ तो पूरी बात तो बताओ, क्या हुआ है? अरे चलना, पहुंच गए सिंचन, बस यहाँ से एक राइट लूंगा, पहुंच गए। अरे यार फिंकी भैया, ये तो हमारे लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा होटल है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को तो अंदर भी जाने नहीं देंगे। अरे सिंचन, बस इसी के लिए तो यहाँ पे आया हूँ। अंकल जी इनको बताओ यार, क्या बात है, सब सारी चीज़ें बताओ पूरी डिटेल में। अरे हाँ बेटा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुन लेना, इधर आसपास कोई हो ना। अरे नहीं, कोई नहीं है। अरे ये तो बच्चा है ना। अरे कोई नहीं, ये तो अपना भाई जैसा है, वो कुछ नहीं करेगा। अरे यार फिंकी भैया, ये क्या बात हो रही है, हमको भी बताओ। अरे तेरे को बताऊंगा सिंचन, तू रुक जा थोड़ी देर। अरे बेटा देखो, बात ऐसी है ना कि इस होटल में बहुत सारा सोना है, और उस सोने को निकालने वाले हैं ये लोग, और जैसे ही ये लोग निकालेंगे यहाँ से सोना, हम लोग उस सोने को चुरा लेंगे। ये देख रहे हो, ये ब्लू वाली गाड़ी। अच्छा कौन सी वाली, इधर क्या? अरे नहीं बेटा, इस साइड है। अच्छा वो वाली, हाँ हाँ, तो उससे क्या करना है? उसी गाड़ी में लेके जाएंगे, और वैसे ही हम लोगों को सेम टू सेम गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी तुम्हें क्या लग रही है, नॉर्मल गाड़ी नहीं है बेटा, वो जो है ना वो सोने की बड़ी हुई गाड़ी है। अरे यार फिंकी भैया, इसमें तो कितना बड़ा होटल है यार, हम लोग तो इसके ऊपर कभी जा भी नहीं पाएंगे। ओ माई गॉड, कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी। अरे बेटा कोई सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके अंदर लेकर जाऊँगा। अरे यार फिंकी भैया, क्या सच में? क्या? अरे यार जल्दी जाना है। ओके रुको, मैं माइकल से बात कर लेता हूँ इसके बारे में। अरे यार इसका तो फ़ोन ही बंद है, पता नहीं। अरे हेलो यार, ड्राइवर से बात कर लेता हूँ एक बार, रुको। ड्राइवर, अरे उठा ले भाई फ़ोन तो उठा ले कम से कम। अरे यार ये लोग तो भाई पता ही नहीं कौन सा नशा फूक के बैठे हैं, ये दोनों के दोनों तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अंकल जी बताओ क्या होगा अब? अरे कोई बात नहीं बेटा, यह काम हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्टिविटी पूरी टीम चाहिए। अरे नहीं अंकल जी, देखो यार, अगर हम लोग दोनों मिलकर करना चाहें भी ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि यार यहाँ पे गाड़ी बनाना और सेम टू सेम चीज़ें करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अरे हाँ बेटा, वो तो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अरे यार फिंकी भैया, ये मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे सिंचन तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये देख रहा है गाड़ी, इसके अंदर है पूरा का पूरा सोना भरा हुआ, और इस गाड़ी को जैसे ही तू हाथ लगाएगा ना, तो सायरन बजने लगेंगे और ये पुलिस वाले आ जाएंगे। अरे यार फिंकी भैया, मुझे तो लगा था आप यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हो, लेकिन आप भी यहाँ पे काम के लिए ही आए हो। अरे सिंचन क्या करे यार, अब काम ही ऐसा है, चल तेरे को कुछ और खिलाता हूँ कहीं और। अरे यार फिंकी भैया, मुझे यहीं पे खाना है। अरे सिंचन कैसी बात कर रहे हो, अपने बैंक बैलेंस में इतना पैसा भी होना चाहिए ना। अरे फिंकी भैया, फिर चेक करो ना कितना बैलेंस है आपके पास। ये बात तेरी तो सही है, चल देखता हूँ कहीं आसपास एटीएम हो। अरे यार फिंकी भैया, यहीं पे है। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे तो है एटीएम, चल 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 जल्दी से आ जा। चल सिंचन जल्दी से चेक करता हूँ कितना पैसा है यार अपने पास। अरे बेटा तुम थोड़ा आराम से थोड़ा जाना, ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो तुम्हारे अकाउंट को देख लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा अंकल जी, आप टेंशन मत करो, आप चुपचाप बैठ जाओ। अरे यार ये देखो, मजे बैंक, ओहो लॉस सैंटोस का है। अरे बाप रे, ये तो माइनस में है सिंचन। अरे यार फिंकी भैया, ये क्या हो गया, हमारे साथ तो धोखा हो गया, बैलेंस देखो कितना सारा है। हाँ सिंचन, बैलेंस तो बहुत सारा है यार, तो क्या बोलता है सिंचन, उस होटल में अपन लोग एक दिन के लिए स्टे करें क्या? अरे यार फिंकी भैया, सच में ऐसे कह सकते हैं क्या? अरे यार मजा ही आ जाएगा फिर तो। हाँ ये बात तो तेरी भी सही है सिंचन, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। अरे बेटा लेकिन वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, मैं तुमको और भी चीजें बताना चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आप जो जो चाहते हो सब बताओ। अरे बेटा ठीक है, चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकलो अब। अच्छा ठीक है चलो अंकल जी जल्दी से बैठ जाओ। अरे यार ये ट्रेवर और माइकल दोनों का फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं ये दोनों है कहाँ पे। अरे यार फिंकी भैया, मैं तो बोलता हूँ इधर से निकलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, ओ हटो 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 आंटी जी। अरे डक्का नहीं चलता क्या? अरे बोट नहीं क्या चलता? देखो अभी बताता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के क्या समझता साले, अंडा है क्या? हाँ बाहर निकल, तेरे को बताता हूँ। अरे यार ये माइकल का फोन ही नहीं लग रहा। अरे तू बाहर आता है कि मैं अंडा रहा हूँ साले, बाहर आता है तो ऐसी के टैसी अभी बता रहा हूँ। अरे ओ भाई, अरे क्या है मार रहा है? अरे यार फिंकी भैया को मत मारो। अरे ए मेरे बेटे को कहा तूने 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 तेरी तो अभी। अरे हट जाओ फ्रैंकलिन, तुम हट जाओ, मैं इसको बताता हूँ साले को, ये मेरे बेटे को मारेगा, तेरी तो ऐसी के टैसी। अरे यार फिंकी भैया,
भैया आप तो बच गए लेकिन अंकल जी पिट जाएंगे। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा बेटा, मैं अभी इसको बताता हूँ, साले को देख दांत टूट गया इसके तो मैंने। अरे यार फिंकी चलो चलो चलते हैं अब। हाँ हाँ चल भाई जल्दी से चल, अभी निकलना पड़ेगा यार अपन लोग को, नहीं दिक्कत ना पड़ जाए अपन को यार, यहाँ पे इसके लोग होंगे और ज्यादा। अरे अंकल जी छोड़ो यार हो गया हंसी मजाक, अभी बैठो चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ बेटा मैं तो बैठ गया हूँ, चल जल्दी से गाड़ी लेकर चलो इधर से, यहाँ मेरे बेटे को कोई हाथ लगाएगा और मैं देखता रहूंगा क्या, साले को दांत तोड़ दूंगा इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे हाँ जी अंकल जी, अरे कोई बात नहीं चलो हो जाता है, अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा अपन लोग को। लेकिन अंकल जी एक बात तो बताओ, उस सोने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? अरे यार बेटा मैंने तो तेरे को आधी चीजें बता दी है, जो भी चीज मेरे को पता थी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, अब तुम लोगों को ही पता करना पड़ेगा। हाँ एक तो बंदा है उसके पास हम लोगों को जाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए, तो हम लोग अभी सीधा वहीं पे चलते हैं। यार फिंकी भैया मेरे को बीच में कुछ खिला पिला देना यार, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। अरे सिंचन तू टेंशन मत ले यार, तेरे लिए सब कुछ रखा है मैंने, वो देख डिक्की खोल सारी चीज़ें वहाँ पे है, जो जो तुझे खाना पीना है ना वो सारी की सारी चीज़ें निकाल सकता है वहीं पे और खा भी सकता है, ठीक है? अरे फिंकी भैया वो तब तो ठीक है, लेकिन ना अब थोड़ी गाड़ी अच्छे से चलाओ, ठोको मत यार ज़्यादा। अरे हाँ सिंचन मैं कोशिश तो रहा हूं, लेकिन पता नहीं यार ये गाड़ी जो है ना ये इधर से उधर जाते रहती है भाई साहब, बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है यार सिंचर चलाने में। अरे यार फिंकी भी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। हाँ सिंचर जस्ट ये एक टर्न लिया और ये देखो पहुंच गया। अरे यार फिंकी भी ये कौन सी खटारा सी जगह है? अरे कुछ नहीं बस अपन लोग पहुंच गए यहाँ पे। अरे अरे फिंकी भी वो देखो कोई बंदा हम लोग गाड़ी ठोक दी। अरे यार वो भाई क्या ठोक रहा है? सो फ्रैंकलिन है ना साले, आज तेरे को मार ही डालूंगा। अरे अंकल जी अब तो तेरे को कोई नहीं बचा सकता। तू मेरे को मारेगा क्या साले बाहर आ। अरे अंकल जी अभी बाहर आने की कोई बात नहीं है, चलो अभी देखो मैं तुमको कैसे गाड़ी से उड़ा उड़ा के ठोकता हूँ। अरे यार फिंकी भी इसको उड़ा ही दो। अरे बेटा ऐसा मत करो चोट लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा अंकल जी आप चिंता मत करो। हाँ ठीक है ना। अरे यार फिंकी भी चलो जल्दी से भागो। हाँ जल्दी भागो। अरे यार सिंचन अभी भागना नहीं है यार, हम लोगों को तो यहाँ पे पता करना है ये सारी चीजें कि इसका बॉस कौन है। अरे यार फिंकी भी फिर तो ठीक है। ओए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम लोग यहाँ से रास्ता कैसे मिला? अरे कुछ नहीं अंकल जी अभी तो इधर से घूमने के लिए आया हूँ। और ठीक है चलो निकलो यहाँ से, भोटनी के आ गए हैं अभी। यार ये तो भाई ऐसा बोला अपनी को। अरे यार फिंकी भी थोड़ा आराम से गाड़ी चलाओ ना। अरे कुछ नहीं सिंचन, अगर हम लोग सीधे से जाएंगे ना उसके बॉडी गार्ड अपन लोग को आगे नहीं घुसने देंगे, हम लोग इधर पीछे के रास्ते से जाते हैं और पीछे के रास्ते से घूम के जाएंगे ना अपन लोग को उसको फोड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अरे यार फिंकी भी ये देखो गोलियाँ चल रही हैं। अरे टेंशन मत ले सिंचन मैं संभाल लूंगा सारी चीज़ें। अरे यार फिंकी भी थोड़ा आराम से गाड़ी चलाओ बस। हाँ हाँ आराम से ही चला रहा हूँ यार, तू कितनी बार आराम आराम से बोलता रहता है सिंचन। अरे यार फिंकी भी थोड़ा तो आराम से चलाना। हाँ हाँ आराम से ही चला रहा हूँ यार, तू चुप हो जा यार सिंचन, अब मेरे को गुस्सा आ रहा तेरे पे। अरे यार फिंकी भैया पहुंच गए। अरे कौन है ये? अरे रुक 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 जल्दी से रुक जा, अबे यही बॉस लग रहा है मेरे को। अरे यार फिंकी भैया हाँ हाँ यही है, मेरे को भी यही लग रहा है। अरे बेटा ये चले गए हो, क्योंकि यार उनको ये लग रहा होगा कि मैंने प्लेन को क्रैश कर दिया है और यहाँ पे प्लेन के क्रैश में मैं मर चुका हूँ और फाइनली अब पुलिस वाले जा चुके हैं, यहाँ पे तो कोई भी पुलिस वाला है नहीं। अभी हम लोगों को यहाँ से फटाफट पहले तो निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर और रहा ना तो भाई साहब वापस से पुलिस वाले आ जाए। अरे यार फेंकी भैया अरे यार मैं तो सिंचन की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा है यार, इधर ही कहीं पर सिंचन रो रहा है। अबे यार उन लोगों को ये लग रहा है कि मैं टपक गया हूँ। अबे छोड़ो यार चलो जल्दी से एक गाड़ी उठाता हूँ। अबे यार ये रही गाड़ी, चलो यार इसी गाड़ी को उठा लेता हूँ। अबे ये तो मेरे को लगता है ये प्लेन वाली गाड़ी है, मतलब इसके ऊपर प्लेन रख के और ले जाते लाते होंगे वही वाली गाड़ी है। चलो कोई ना कोई सी गाड़ी हो यार, अपन लोग को फटाफट पहले तो सिंचन के पास जाना है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अपन लोग मर चुके हैं और उसको ऐसा लगा तो भाई साहब कुछ भी कर सकता है वो पागलों की तरह। यार फिंकी भैया मैं अब नहीं रहूंगा यार, मैं गेट के भरोसे रहूंगा। अरे यार अब सिंचन को कौन समझाए, चलो कोई ना अभी फटाफट पहले सबसे पहले तो हम लोग सिंचन के पास जाते हैं, उसके बाद उसके देखते हैं यार कि उसको हाल चाल लेते हैं। अभी यार यहाँ तो बड़ी मस्त गाड़ी खड़ी है। ओ भाई क्या बात है यार, पता नहीं यार हमारा सिंचन ऐसा क्यों है यार। लेकिन यार फिंकी भैया तो जिंदा ही होंगे, मेरे को तो यही लग रहा है। अरे सिंचन तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ यार सिंचन तेरे पास। अरे यार कहाँ पे है सिंचन मेरा? अरे ये वो रहा सिंचन तू वो देखो वो रहा। अरे यार सिंचन क्या है यार, मेरे को तो लगा था तू होशियार बंदा है यार। सिंचन चला जा,
अरे यार फेंकी भी आप जिंदा हो क्या? अरे यार फेंकी भी मैंने को लगा था आप लोग तो मर चुके हो। नहीं सिंचान कुछ नहीं हुआ, चल जल्दी आ। अरे यार टोनी ये देखो टोनी भी यहाँ पे बैठा है, चल जल्दी आ जा, चल देखते हैं अब क्या कर रहा है टोनी हमारा। अरे यार मेरे को तो पहले से ही पता था यार तू जिंदा ही बच जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, चल जल्दी से अभी यहाँ से निकलते हैं। अरे हाँ यार वो देखो पुलिस वाले फिर से वापस आ रहे हैं, पता नहीं उन लोगों को कैसा पता चल जाता है। मेरे को तो लगता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम मेरे पर शक कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई मैं तेरे पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार उसने लगता है मेरे को कुछ GPS वगैरह कहीं ना कुछ ना कुछ तो फिट किया होगा, या फिर ये एयरफोर्स वाले जाके बोल देते होंगे। लेकिन यार हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। यार फिंगी भी आप मेरे को साथ में ही रखना, मेरे को छोड़ के ना जाना प्लीज यार। हाँ सिंचान तू टेंशन मत ले यार, तेरे को कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा सिंचान। यार तू बहुत ज्यादा डर जाता है यार। अरे यार फिंगी भी सच में यार बहुत ज्यादा मैं डर गया था, पता नहीं यार मेरे फिंगी भी को क्या हो गया। अयो अच्छा कोई बात नहीं सिंचान, अभी हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं यार, क्योंकि यार अपन लोग के पास वो चाबी है जिससे वो दरवाजा खुलेगा, लेकिन अपने पास वो नक्शा नहीं है, तो हम लोगों को नक्शा ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा सिंचान। अरे यार फिंगी भी तो जल्दी चलो ना यार, क्या यार टाइम पास कर रहे हो? अरे जल्दी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ सिंचान, लेकिन यार जल्दी चले तब ना, ये गाड़ी भी है ना बहुत धीरे धीरे चल रही है। अरे यार फेंकी भी सबसे पहले ना अब तो सही सही बोलना सीख लो। अरे यार सिंचान ऐसा क्यों बोल रहा है यार, मैं तो सही सही बोलता हूँ। अरे यार फेंकी भी ये फिर ये गाड़ी थोड़ी है यार, ये तो ना उसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं। अरे सिंचान, अरे यार इसको हेलीकॉप्टर नहीं इसको चॉपर बोलते हैं। तुम लोग गवार कहीं के पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, गवार कहीं के चलो भागो यहाँ से। अरे यार हमारे दोस्तों को सब पता होगा, प्लीज गाइस आप लोग बताओ इसको हेलीकॉप्टर कहते हैं कि चॉपर कहते हैं? तो हेलीकॉप्टर को एच से हेलीकॉप्टर बोलते हैं और चॉपर सी से बोलते हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी से एच या फिर सी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, एंड यार जो भी नए हो ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप लोग मेरे को पसंद नहीं करते हो क्या? तो प्लीज यार सभी लोग मिलके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अरे हाँ सिंचान वो सारे लोग कर देंगे। अरे यार फेंकी भैया ये क्या हो गया? अरे यार फेंकी भैया कूद गए। अरे सिंचान तू टेंशन मत ले, तू जल्दी से पैराशूट खोल और टोनी भैया के साथ कहीं सेफ लोकेशन पे चला जा। लेकिन यार फेंकी भैया ऐसा क्यों किया? अरे बताओ। अरे सिंचान करना पड़ा, तू जल्दी से वहां पे से निकल जा और हमारा हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाए, ताकि वो पुलिस वाले जो है ना वो यहाँ पे कुछ भी पता ना लगा पाए। ठीक है चल जल्दी से जा, ये लोग मेरी प्लानिंग्स कभी नहीं समझेंगे। चलो गाइस आप लोग तो समझते हो ना, तो इन लोगों को मैंने फटाफट भेज दिया है एक सीक्रेट लोकेशन पे। अभी मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पे, टोनी से थोड़े पैसे लूंगा और उसके बाद हम लोग वहाँ पे चीजों को निकल जाएंगे ढूंढने के लिए। और मेरे को ये वाला शिप बहुत पसंद आया है, तो ये वाला शिप भी हम लोग चोरी करेंगे, क्योंकि यार हम लोगों को समुद्र में जाना है और समुद्र में तो शिप की जरूरत है। अबे यार इन लोगों को बताने के चक्कर में गिर गया। अरे यार सॉरी गाइस सॉरी यार, अबे गिर गया। चल यार फाइनली पैराशूट तो निकल जाता हूँ लेके। अबे यार अब मेरे को ना फटाफट उस ये ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को, और सिंचान तो आराम से वहाँ पे सेफ से खड़ा होगा। एक गाड़ी ढूंढ लेता हूँ यार, कहीं से गाड़ी मिल जाए तो। अबे यार इस शिप को ले जाने के लिए भी हम लोगों को एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस शिप को वहाँ तक लेके कैसे जाएंगे? पता नहीं यहाँ पे कोई रहता भी है कि नहीं। चलो गाइस देखते हैं। अबे यार यहाँ पे तो एक आंटी रहती है। अबे यार चलो भागो 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 भागो, यहाँ पे से भागना पड़ेगा। अबे यार इस साइड भी एक आंटी रहती है। अच्छा यहाँ पे तो दो दो आंटी हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोगों को यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अरे यार इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, अबे हाँफने लगा हूँ भाई, इतना ज़्यादा तेज दौड़ूंगा तो क्या होगा। अबे यार मेरे को सिंचन के पास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरे को सिंचन को ढूंढना है यहाँ पे। अगर मेरा सिंचन ना मिला तो फिर मैं क्या करूँगा? चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। अरे यार मेरे सिंचन कहाँ पे है? अरे सिंचन सिंचन कहाँ पे चला गया यार, ढूंढना पड़ेगा सिंचन को। अरे यार फेंकी भैया मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अरे हाँ सिंचन आवाज़ तो आ रही है, लेकिन तू है कहाँ पे, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। अरे यार फेंकी भैया आप चिंता मत करो, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं तू वहीं पे रुक, मेरे को एक गाड़ी मिल गई है, मैं फटाफट आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। अरे यार फेंकी भैया सच में क्या? अरे हाँ सिंचन मेरे को एक गाड़ी मिल चुकी है, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास। अरे यार फेंकी भैया फिर तो ठीक है, अब जल्दी आ जाओ, मैं भी यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ आपका। अरे कोई ना मैं अभी आ रहा हूँ सिंचन, तू चिंता मत कर यार, जल्दी जल्दी से चलो यार सिंचन के पास चलते हैं, क्योंकि यार सिंचन ना अपना दोस्त है अपना भाई है यार, उसको छोड़ के कैसे रह सकता हूँ यार, मैं नहीं रह सकता यार, सिंचन के पास जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अबे यार अबे मेरी सांसें फूल रही है। हाँ अरे यार ओ भाई चलो फाइनली पहुँच गया हूँ। अरे बाप रे। अरे यार पिंकी भैया आप मेरे नज़दीक आ गए हो। अरे हाँ सिंचन मैं बस तेरे नज़दीक आ चुका हूँ, मैं थोड़ी देर में तेरे पास पहुँचने वाला हूँ, पता नहीं यार इस गाड़ी का भी पता वो लग ना लगा ले।
यार मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार इन लोगों के लिए। साला चलो पहुँच गए यार, फाइनली पहुँच गए। चलो चलो कोई ना, अभी हम लोग देखते हैं यार कि हमारा सिंचन है कहाँ पे, चलो देख लेते हैं। अरे यार सिंचन, अरे यार फेंकी भैया यहीं पे हूँ, बस आपके सामने ही हूँ। अरे सिंचन जल्दी आना यार, क्या कर रहा है फिर, टाइम पास नहीं कर, जल्दी आ। अरे यार फेंकी भैया मैं आपके पास ही हूँ। अरे ये रहा, अरे फेंकी भैया मेरी आवाज़ आ रही है? अरे हाँ सिंचन बिल्कुल आ रही है, चल आ जा जल्दी से गाड़ी में बैठ। अरे यार फेंकी भैया फिर तो सही है यार, मेरे को तो लगा था आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। अरे सिंचन तेरी ये हालत कैसी हो गई? अरे ये फिंगी भी आपसे दूर गया ना तो रो रहा था। अरे सिंचन रोया मत कर यार, अपने भाई लोग के साथ रहेगा तो रोएगा क्या यार, ऐसा नहीं होता सिंचन। अरे यार फिंगी भी मेरे को बस अच्छा नहीं लग रहा था यार, मैं क्या करूँ मेरे को रोना आ गया। अच्छा चलो कोई ना हो गया यार, चलो हटाओ अब इन चीज़ों को, ख़त्म करते हैं और फटाफट अभी हम लोग सीधा चलते हैं उस नक्शे की तरफ, क्योंकि यार उस नक्शे को ढूंढना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिंचन, उससे उतने ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उस पैसे को निकाल पाना, क्योंकि यार अगर अपन लोगों ने पैसे को नहीं निकाल पाए ना तो यार प्रॉब्लम ही बढ़ेगी ना सिंचन। अरे यार फिंगी भैया फिर तो सही बोल रहे हो, हाँ जल्दी चलो जल्दी। अरे सिंचन जल्दी चलने का कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन जल्दी चल पा रहा हूँ यार, बहुत दिक्कत हो रही है सिंचन। अरे यार फिंगी भैया फिर तो ठीक है यार, मजा ही आ रहा है। ओहो हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना? अरे बिल्कुल पहुँच जाएंगे सिंचन, अभी फटाफट अपन लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अपन फुल स्पीड में जा रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हो यार क्या सीन है भाई, मजा ही आ गया। चल कोई ना सिंचन, अभी हम लोग फटाफट यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, और हम लोग यहाँ पे इस भैया जी से पूछने की कोशिश करते हैं। अरे यार फिंगी भैया ये तो रुका ही नहीं। अरे जाने दो, नहीं रुका, अभी हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ते हैं सिंचन और हम लोग फटाफट ना अभी यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यार इसी खंडहर में कहीं ना कहीं तो वो हमारा सोना छुपा के रखा गया है। उसका मैप ढूंढना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन फिर भी ढूंढने का ट्राई मैं कर रहा हूँ सिंचन, तो टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि उस मैप को अच्छे से ढूंढ सकूँ। अरे यार फिंगी भैया फिर तो मजा ही आ जाएगा यार, वो मैप मिल गया तो। अरे हाँ सिंचन बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा यार, तू टेंशन मत ले जल्दी से, और मैं उस मैप को बिना ढूंढे तो जाने वाला हूँ नहीं। अरे यार फिंगी भैया फिर तो मजा ही आएगा, इतने सारे पैसे मिलेंगे हम लोगों को। बिल्कुल मिलेगा सिंचन यार, ये सोचने वाली बात क्या है, बिल्कुल 100% मिलना ही है यार, इतना सारा पैसा अपन लोग का, ये तू चिंता मत कर सिंचन, अपन लोग ढूंढ लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार फिंगी भैया फिर तो मजा ही आएगा। हाँ सिंचन बिल्कुल आएगा यार, चलो फटाफट इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं सिंचन और हम लोग इन चीज़ों को हटाते हैं। और गाइज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से सब लोग मिलकर लाइक कर दो यार वीडियो को प्यारा सा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो फटाफट सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ गाइज आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते ना दिल टूट जाता है यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो। हाँ आप जल्दी से अगर लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस एंड बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अरे अंकल जी ये देखो, अंकल जी और आंटी जी कहाँ जा रही है? अरे यार जाने दे सिंचन, टाइम पास नहीं कर, चल जल्दी से अपन लोग को फुल स्पीड में यहाँ से निकलना है। अरे यार फेंकी भैया फिर भगाओ गाड़ी को। हाँ जल्दी जल्दी भगाओ, मैंने तो सारी चीज़ें बता दी और बोल भी दी, तो आप भी ज़्यादा टाइम पास नहीं करो यार, जल्दी गाड़ी भगाओ। लेकिन यार यहाँ पे जा कहाँ पे रहे हो? वो तेरे को बताऊंगा अगले पार्ट में, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से